आगे चल रहा है आजकल में, वो आपका फेवरेट यूट्यूबर। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार। हाय सर, फाइनली टाउन हॉल 15 आके 2 महीने कंप्लीट हो चुके। 2 महीने के अंदर हमारा गेम कितना इंप्रूव हुआ है, हमारे क्लैन के अंदर क्या चल रहा है, कौन से बंदे, मन्ना तो भाई बौखला गया है। क्या आप बताओ, हमारे टीम का मन्ना बताए बांग्लादेशी प्लेयर, वो बौखला गया है। वो बंदा हाइब्रिड छोड़ के सब कुछ कर रहा है, इलेक्ट्रो ड्रैगन पे उतर आया है भाई बंदा। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या होने वाला है आज के मैच के अंदर। मुलान कप का टूर्नामेंट चल रहा है, राउंड 32 के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं, और अगर हम लोग ये वाली मैच जीत जाते तो राउंड 64 नहीं राउंड 16 के अंदर पहुंच जाएंगे। 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2। 2 के अंदर तो बहुत बार पहुंच चुके हैं, लेकिन हर बार हारते भाई। 2 के अंदर पहुंच गए, फाइनल में जाके हमेशा हारते भाई हम लोग। लेकिन आज नहीं भाई साहब, चलते डायरेक्ट गेम के अंदर। आजू बाजू में जो भी दिख रहा है सबको सब्सक्राइब बटन ठोकने के लिए बोलो, 2 मिलियन करवाने अपने को। तो भाई साहब, हमारी मैच लगी है यहाँ पे मेक इंडिया टीम के साथ। अभी हमारा पहला अटैक चालू होता ही होगा, कौन करेगा पता है, मन्ना। मैं देखना चाहूंगा मन्ना क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रो करेगा या क्या करेगा, होपफुली हाइब्रिड ही करे। ओके गाइस, हमारी साइड से मन्ना ने अटैक चालू कर दिया है। ओके, ओ भाई साहब क्या बात है, ये मन्ना की आर्मी देखो तो भाई साहब, 5 माइनर, 5 सुपर माइनर, 5 हॉग राइडर। लेट्स सी गाइस, और डिगी तो नहीं है यार मन्ना का, शायद मन्ना ने डिगी अपग्रेडिंग पे लगा के रखा है। ओके, बार्बेरियन किंग, आर्चर क्वीन, गाइस सारे के सारे हीरोज मैक्स है। मेरे को लगा सिर्फ किंग और क्वीन को मैक्स कर दिया, लेकिन नहीं, आई वॉज रॉन्ग गाइज। यार ये मन्ना ने कैसे कर दिया गाइज, मैं कितना नूब हूँ। हम लोगों ने 90,000 जेम्स लिए आपको पता है, और मेरा बार्बेरियन किंग अभी तक मैक्स नहीं है, मन्ना का मैक्स हो चुका है। गजब भाई साहब, का बोले अब। ये बंदे ने पता नहीं पैक्स खरीदे होंगे नहीं खरीदे होंगे, लेकिन इसके सारे हीरोज मैक्स है, हमारा बार्बेरियन किंग अभी तक मैक्स नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइज, यहाँ पे मन्ना को टाउन हॉल मिलेगा। ओ भाई साहब क्या बात है, टाउन हॉल मिल गया, इनविजिबिलिटी स्पेल। मेरे को लगा गिराएगा इनविजिबिलिटी, टाउन हॉल इनविजिबल हो जाएगा, लेकिन मिल गया। ओके, ऊपर की साइड पे अपने हाइब्रिड आर्मी चालू कर दिए। बार्बेरियन किंग किधर है गाइस, मन्ना का, अबे किंग बौखला गया है भाई, अंदर क्या कर रहा है, बाहर आना था यार ये किंग को। क्वीन के ऊपर भी ध्यान है बंदे का, मेन आर्मी के ऊपर भी ध्यान है, हील भी डाल रहा है, रेज भी डाल रहा है, क्वीन को भी बचा रहा है। गजब सीन है गाइस, यार ये बॉक्स टाइप का बेस है थोड़ा सा, मन्ना को दिक्कत दे रहा है यार। अरे यार टेस्ला फार्म, ये वाले, ये ऐसे जो टेस्ला फार्म्स होते हैं ना हाइब्रिड आर्मी के अंदर या स्पैम आर्मी के अंदर, जितना स्टार्टिंग में मिले उतना 3 स्टार होने का चांस होता है, अगर लास्ट में बच जाता है ना ये टेस्ला फार्म, भाई साहब बहुत दिक्कत देता है, मार के रख देता है आपकी पूरी आर्मी की। गाइस क्वीन तो जिंदा बची है, लेकिन हिलर्स जिंदा नहीं है। क्वीन के पीछे अगर सारी की सारी हिलर्स जिंदा होती ना तो शायद मैं कुछ बोल सकता था, लेकिन अभी कुछ नहीं बोल सकता, ये तो फेल है गाइज। क्वीन मरेगी, एक धप्पा आएगा स्कैटर शॉट का, लो मरेगी, बोला था एक धप्पा आएगा मरेगी, मर गई। अभी देखो बार्बेरियन किंग बेचारा अंदर पता नहीं किधर गया, अंदर जाने की जरूरत थी नहीं, बाहर से काम करना था इसको, बाहर से डिफेंसेस या बिल्डिंग्स फोड़नी थी, अंदर चला गया कंपार्टमेंट के अंदर, ऊपर की वॉल भी फोड़ के रखी है उसने वहां पे। अरे यार मन्ना क्या कर रहा है मेरा भाई, क्या कर रहा है, क्लीन अप ट्रूप्स बिल्कुल लिए नहीं है मन्ना ने, यहाँ पे क्लीन अप ट्रूप्स की जरूरत थी, यहाँ पे 4-5% एक्स्ट्रा मिल जाता है कि नहीं, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक अटैक के अंदर 2 स्टार हो चुके। चलो भाई साहब, अच्छी बात यह है कि सामने से भी एक अटैक के अंदर 2 स्टार हो चुके, और हमारी साइड से गोहिल आ चुका है फैजान के बेस के ऊपर। आओ गाइस, गोहिल क्या करेगा देखते हैं। गोहिल तो भाई यही घिसी पिटी आर्मी भाई साहब, टाउन हॉल 12 से यूज कर रहा है, 12, 13, 14, 15 के ऊपर भी वही, और लेवल आया ही नहीं है ना, बेबी ड्रैगन का लेवल आया ना, बलून का लेवल आया ना, बेबी इन्फर्नो ड्रैगन का लेवल आया ना, ड्रैगन राइडर का लेवल आया, किसी का लेवल नहीं आया। और बार्बेरियन किंग तो देख लो, टाउन हॉल 14 का ही बार्बेरियन किंग है। अबे यार किस जमाने में जी रहा है गोहिल, आरसी के ऊपर डीगी का है यूज नहीं कर रहा, मोस्ट प्रोबेबली अपग्रेड पे होगा, सारे पुराने पेट्स पुराने, टाउन हॉल 14 से ही अटैक कर रहा है भाई बंदा, गजब सीन है। चलो स्पैम तो अच्छे से करा इसने, अरे यार पागल है क्या, क्या कर रहा गोहिल मेरा भाई, क्या कर रहा है ये, अर्ली फ्रीज डालना था इनविजिबिलिटी स्पेल टावर पे। यार ये इनविजिबिलिटी स्पेल टावर का ना मेरे को मैकेनिज्म कैसा है समझ ही नहीं आता, मैं आपको बताता हूँ। मैं लेजेंड लीग के अंदर एक अटैक कर रहा था, बहुत सारे बलून्स गए उसके ऊपर, ठीक है, मतलब 12-13 एक दर्जन बलून्स आ रहे थे, 1 स्टार होने वाला था मैं बताता हूँ, तो टाउन हॉल के पास था तो मैंने 11-12 बलून्स डाले, फूटा ही नहीं, लिटरली नहीं फूटा, ना ही इनविजिबिलिटी स्पेल डाला, आरसी मैंने होल्ड रखी थी, उसके बाद
ग्यारह बारह बलून्स मेरे वेस्ट हो गए, मेरे को लगा इनवी कर देगा तो मैं बाद में आरसी डालूंगा, लेकिन नहीं इनवी किया ही नहीं। जैसे ही आरसी उतरी, आरसी का जो पेट है जैसे ही आगे गया, इनविजिबिलिटी स्पेल गिरा दी। गजब लेवल का सीन है भाई, कभी कभी तो समझ ही नहीं आता। गाइज ये थ्री स्टार था, ये थ्री स्टार था अगर टाउन हॉल मिलता गोहिल को ब्लिंप के साथ तो। अभी तो मेरे को एक स्टार लग रहा है, देखो सच्ची बताऊं तो अगर गोहिल अर्ली फ्रीज करता टाउन हॉल को और इनविजिबिलिटी स्पेल टावर को तो इजीली यहाँ पे गोहिल को मिल जाता, टाउन हॉल भी मिल जाता, मोनोलिथ भी मिल जाता और भी अच्छी खासी चीजें मिल जाती क्योंकि क्लोन स्पेल था, है ना। लेकिन गोहिल ने फ्रीज स्पेल लेट डाला, मतलब लेट मतलब बहुत ज्यादा ही लेट डाला। मतलब गोहिल को लग रहा होगा हाँ नहीं नहीं गिराएगा नहीं गिराएगा, थोड़ा सा और लेट डालते हैं, इसी चक्कर में ज्यादा प्रो बनने के चक्कर में फिर वो तीन हो जाता है। देखो एक स्टार मेरा भी एकदम स्टार्टिंग में वैसा ही होता था, जो सुपर आर्चर क्लोन में यूज करता हूँ ना, हाँ ठीक है भाई साढ़े चार सेकेंड के बाद में इनविजिबिलिटी स्पेल डालूंगा, डालने के लिए जाता हूँ धप्पा आ जाता है स्कैटर शॉट का, सारे के सारे मर जाते हैं, ज्यादा प्रो नहीं बनने का भाई, तीन सेकेंड के बाद ही डाल देता हूँ अभी तो मैं इनविजिबिलिटी स्पेल, ज्यादा दिक्कत ही नहीं लेने की गाइज, टेंशन लेने का इच्छ नहीं है, जाने दो डेढ़ सेकेंड वेस्ट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टाउन हॉल मिस हो गया तो क्या करोगे भाई साहब, अच्छा होने दो आपके डेढ़ सेकेंड वेस्ट, नूब बनो थोड़ा दुनिया के सामने लेकिन थ्री स्टार करके निकलो वहां से। चलो भाई ये गोहिल का थ्री स्टार अटैक था देखा जाए तो, लेकिन इनविजिबिलिटी स्पेल टावर ने एक स्टार अटैक करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है गाइज, दो अटैक के अंदर तीन स्टार हो चुके। इतनी खुशी कभी नहीं हुई है गाइज मेरे को, सामने से एक अटैक जीरो स्टार आ चुका है। चलो गाइज फिलहाल हम लोग अटैक करने वाले डायरेक्ट नंबर एक के बेस के ऊपर, ये रही हमारी आर्मी रिंग बेस है गाइज, रिंग बेस तो यार मतलब क्या ही बोलूं, बहुत खतरनाक होता है, मेरे को तो बहुत डर लगता है गाइज रिंग बेस के ऊपर, रिंग बेस गलती से यार मत देना वरना मैं फेल कर दूंगा रिंग बेस के ऊपर। कम ऑन ब्लेम पहुंच जा जे बात ओके। चलो भाई साहब डबल क्लोन रेज वापिस इनवी, कमॉन मेरे को वैल्यू चाहिए सुपर आर्चरो, वैल्यू निकाल के दे दो, टाउन हॉल चाहिए, मोनोलिथ चाहिए, मोनोलिथ भी दे देना प्लीज, और ये दूसरा वाला पॉइजन टावर भी मिल गया, क्या बात है भाई, मोनोलिथ दे दो मल्टी भी दे दो, मल्टी प्लीज 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 मिल गया, हद है भाई। भाई पूरा बेसिक खत्म हो गया इधर, सॉरी पूरा तो नहीं आधा खत्म हो गया, आधा मतलब आधे डिफेंसेस खत्म हो गए। चलो सही है गाइज, अभी तो खैर बेस के अंदर ना कुछ बचा है नहीं, देखो दो पॉइजन स्पेल टावर खत्म, टाउन हॉल खत्म, दो इन्फर्नो टावर खत्म, मोनोलिथ खत्म, एनिमी की क्वीन खत्म, सीसी खत्म, बस अभी अपने को हल्का सा लावालून करना है। एक वॉल ब्रेकर देंगे यहाँ पे, लावा डाल के बलून स्पैम कर देंगे यहाँ पे, बुड्ढे को डालेंगे, आरसी को भी डालेंगे, पीछे से मिनियंस आएंगे क्लीन अप के लिए, ओके गोइंग गुड, कुछ बलून्स यहाँ पे आएंगे गाइस, लावा हॉन्ड का न्यू लेवल आ जाए और बलून का न्यू लेवल आ जाए ना भाई साहब, गर्दा मचा देंगे, मजा आ जाएगा भाई साहब, बलून्स का झुंड देख रहे हो गाइस लिटरली, अभी भी 10 बलून्स बच चुके हैं हमारे पास, आरसी विथ एबिलिटी, क्वीन विथ एबिलिटी है, लेवल 84 का नॉन मैक्स बारबेरियन किंग है, मन्ना के पास मैक्स लेवल का है, कम ऑन बाप रे, कोर में बहुत सारे ट्रैप फैप रखे थे बंदे ने, गोइंग गुड, खत्म है लो गाइस खत्म है, दिस इज अ खत्म बेस, हमारे पास क्वीन एबिलिटी, आरसी एबिलिटी, 5 बलून्स, 3 मिनियंस और 2 आर्चर्स भी बच चुके हैं, लो भाई कर लो बात, ये हो गया हमारा स्वैग के साथ 3 स्टार अटैक। टाउन हॉल 14 से मैं कर पाता क्या इस बेस के ऊपर 3 स्टार, पता नहीं शायद नहीं कर पाता, मुश्किल यार टाउन हॉल 14 से 15 3 स्टार करना, 15 से 15 पड़ता है थोड़ा मतलब मॉडरेट अमाउंट में अटैक, तो गाइज ये हो गया हमारा 3 स्टार, 3 अटैक के अंदर 6 स्टार हमारे हो चुके हैं। एजाज भाई लाइव है गाइज, एजाज भाई कर रहे हैं यहाँ पे सेम टू सेम हमारी आर्मी के साथ अटैक, लेट्स सी एजाज भाई का अटैक, देखते हैं जरा क्या कर सकते हैं इस आर्मी के साथ इस बेस के ऊपर, देखते हैं
ओके एजाज भाई ने चार रॉकेट बलून्स लिए हैं, दैट्स नाइस। ओके ओके ब्लिंप लिया है, सारे के सारे स्पेल तो स्टार्टिंग में लगा देंगे मेरी तरह, लेट्स सी देखते हैं। ओके दो बलून्स डाल के दो रॉकेट लून, दैट्स रियली नाइस मूव मैन, ओपी नाइस गुड वेरी गुड। ओडी ओडी बाबा गोलम्स आइस गोलम्स नो मैन डबल क्लोन रेज इनवी नाइस परफेक्ट बोलते हैं, परफेक्ट स्पेल प्लेसमेंट। चलो भाई होपफुली एजाज भाई का थ्री स्टार लग जाए यहाँ पे, ये आइस गोलम ना गाइस दिक्कत कैसे देते हैं पता है, टाइम फेल करवाते हैं भाई और कुछ नहीं है, टाइम फेल करवाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं भाई। काफ़ी तगड़ी वैल्यू मिल गई है एजाज भाई को, नहीं मतलब मस्त वैल्यू मिली है, टाउन हॉल मॉलिट सिंगल एक्सपेल टावर मिल गया, कैटर शॉट भी मिल गया, मस्त वैल्यू खींची है एजाज भाई ने यार। यार एजाज भाई को अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए पता है, इलेक्ट्रो टाइटन को 3 o'clock पे डालना चाहिए और सारे गोलम्स को उधर बुलाना चाहिए, आर्चर नहीं डालना था यार, डायरेक्ट एक ये डालते, देखो अभी भी डाल सकते हैं, अभी डालो यार क्या कर रहे हो एजाज भाई, एक इलेक्ट्रो टाइटन डालो और भूल जाओ, इलेक्ट्रो टाइटन निकाल लेगा, ये क्या बेबी बीबी डाल रहे हो यार, बेबी टाइम लेगा यार, वैसे ही टाइम खराब हो रहा है, ये देखो अभी आ जाएंगे इस साइड पे, इलेक्ट्रो टाइटन को उधर ही डालना चाहिए था, इलेक्ट्रो टाइटन पे बिजी भी रहते और इलेक्ट्रो टाइटन उनको मारता भी और इस साइड पे आते भी नहीं आइस गोलम्स। अभी देखो इधर आके हीरोज को फ्रीज करेंगे, खामखा टाइम वेस्ट करने का काम करेंगे यार, इधर ना पूरी पाथिंग खराब हो गई, आरसी के साथ वो मल्टी इन्फेरो निकलना चाहिए पता है, आरसी कहां जा रही है भाई, लावा लून चालू भी कर दिया। ओके यार आरसी के साथ वो मल्टी मिलना चाहिए था, मल्टी एजाज भाई तो भाई लेवल 80 का बार्बेरियन किंग लेके घूम रहे भाई मार्केट में, क्या बोलूं। ओके अरे वार्डनेबिलिटी आएगी कब आएगी, नाइस वार्डनेबिलिटी मैन, व्हाट इज दिस हैपनिंग, क्वीन टेक दैट मल्टी यार, आरसी के साथ निकलना चाहिए था वो मल्टी पता है, इनके साथ नहीं निकलना था, आरसी के साथ निकालना चाहिए था, आरसी को लेट डालना था इनको, जैसे हीरोज आगे पुश होएंगे उसके बाद आरसी को डालना था डायरेक्ट मल्टी पे, लेकिन आइस गोलम को देख के बौखला गए एजाज भाई और तुरंत आरसी को डाल दिया इन्होंने, परसेंटेज कितना खींच पाएंगे, वैसे देखा जाए तो ये ट्रिपल था, थोड़ा और अच्छे से एग्जीक्यूट करते थे मतलब है ना, मन्ना का तो चलो नहीं बोल सकते कि ट्रिपल था मन्ना का क्योंकि वो प्रॉपर फेल है, ये देखो काफ़ी क्लोज जा चुका है अटैक, 93 आया 94 आ गया 94, ये हो सकता था ट्रिपल बट हल्की फुल्की गलतियां हो गई तो हो गया फेल, चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्कोर हो चुका है गाइस 4-8। ओके भाई साहब आखिरी अटैक हमारी साइड से तैयब भाई कर रहे हैं, तैयब भाई का अटैक देखते हैं, तैयब भाई कर रहे हैं यहाँ पे जैप लावा लून विथ क्वीन चार्ज विथ फ्लेम फ्लिंगर विथ आइस लावा हॉन्ड, तैयब भाई तो गाइज एकदम ओपी अटैकर है क्वीन चार्ज के, लेट्स सी क्या कर सकते हैं तैयब भाई इस अटैक के अंदर क्वीन चार्ज के साथ, नाइस हॉग राइडर का है डाला पता है आपको, टेस्ला फार्म और स्केलेटन ट्रैप्स को ट्रिगर करने के लिए। ओके क्वीन को ईगल आर्टिलरी कंपार्टमेंट के अंदर लेके जाया जा रहा है, दैट्स रियली नाइस, 6 लाइटनिंग 1 अर्थक्वेक लिया है, ये डालेंगे कहाँ पे, करेंगे कहाँ पे इसको यूज, आई डोंट नो, नाइस गाइस अभी भी एक ही रेड स्पेल बचा हुआ है क्वीन के लिए, नाइस वॉल ब्रेक, अभी एक हेड हंटर आएगा मोस्ट प्रोबेबली एनिमी बार्बेरियन किंग के लिए, फ्लिंगर तो भाई नेक्स्ट लेवल की वैल्यू निकाल के दे रहा है, रॉयल चैंपियन को भी डाल दिया, बार्बेरियन किंग को भी डाल दिया, नहीं नहीं किंग को डाला है क्या, नहीं डाला, अरे तैयब भाई का तो बार्बेरियन किंग भी मैक्स नहीं है ना वार्डन मैक्स है, ये तो बहुत ज़्यादा ही मतलब रश अकाउंट है तैयब भाई का, टाउन हॉल 15 के हिसाब से कॉम्पिटिटिव के हिसाब से, पॉइजन स्पेल आ चुका है सही टाइम पे बिल्कुल ओपी, आरसी के ऊपर लेवल 7 का डीगी है, चलो ये अच्छी बात है, बार्बेरियन किंग के ऊपर फिनिक्स को यूज़ करा गया है, फिनिक्स बहुत खतरनाक है गाइस, यहाँ पे टेकडाउन कर लिया गाइस तैयब भाई ने मोनोलिथ स्पेल टावर और एयर स्वीपर को, अरे गाइस कितना पावरफुल अटैक जा रहा है भाई, ये देख के मजा आ गया, नाइस वॉल ब्रेक मैन, ओपी वॉल ब्रेक देख के मजा आ गया, लो अभी इजीली फोड़ देगी, स्पेल टावर को भी फोड़ देगी,
गाइस क्या ही तो क्रैक निकाला है तैयब भाई ने इस बेस का, मजा आ गया। क्रैक देखो यार, बेस खुल गया पूरा। क्या बचा है बेस के अंदर? बस टाउनल कंपार्टमेंट बचा है। वार्डन एबिलिटी है, फ्री स्पेल से इतने सारे। भाई साहब इसको बोलते असली क्रैक। ये ना वैसे देखा जाए ये स्किल्ड अटैक इसको कम बोलेंगे, बेस का क्रैक निकालना इसको ज्यादा बोलेंगे। क्योंकि जब आप बेस का क्रैक निकाल लेते हो तो भाई आप उतने प्रो अटैकर भी नहीं हो, फिर भी आप थ्री स्टार अटैक कर सकते हो। बेस का क्रैक बहुत जरूरी होता है। लेकिन तैयब भाई प्रो भी है और स्किल्ड भी है और क्रैक निकालने में तो सबसे ज्यादा माहिर है। तो भाई ये इनको बनाता है बीस्ट लेवल का प्लेयर। ये हो गया तैयब भाई का यहाँ पे थ्री स्टार अटैक। चलो गाइस काफी ओपी अटैक कराया तैयब भाई ने यहाँ पे। बलून्स भी एक दर्जन के आसपास बलून्स बचे और काफी आर्मी बच गई है इनकी। चलो भाई साहब ये हो गया यहाँ पे थ्री स्टार और इसी के साथ स्कोर हो चुका है 5 में 11 एनिमी के 4 में 7। मतलब एनिमी टीम अभी 3 स्टार भी करेगी तो अभी 10 स्टार हो पाएंगे उनके। मतलब हम लोगों ने ये मैच जीत लिया, हम लोग पहुंच चुके हैं टॉप 16 के अंदर। अब देखते हैं टॉप 16 में क्या होता है। तो बस आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाओ। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।